सपा ने जारी की लोकसभा चुनाव प्रत्याशियों की लिस्ट, यानी किसको कहां से मिलेगी सीट। 16 उम्मीदवारों के नामों का हुआ ऐलान। मैनपुरी से डिंपल यादव को मिला टिकट। समाजवादी पार्टी ने इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इसमें डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव जैसे बड़े नेताओं की सीटों की घोषणा की गई है। समाजवादी पार्टी ने इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है, जिसमें 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। इसमें डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव और अक्षय यादव जैसे बड़े नेताओं की सीटों की घोषणा की गई है। इंडिया गठबंधन की बैठकों के दौर के बीच ये लिस्ट जारी की गई है। सपा की पहली लिस्ट में 11 ओबीसी, 1 मुस्लिम, 1 दलित, 1 ठाकुर, 1 टंडन और 1 खत्री उम्मीदवार शामिल है। 11 ओबीसी उम्मीदवारों में 4 कुर्मी, 3 यादव, 2 शाक्य, 1 निषाद और 1 पाल समुदाय से है। सपा ने अयोध्या लोकसभा पर दलित वर्ग के पासी प्रत्याशी को टिकट दिया है। एटा और फरुखाबाद में पहली बार यादव की जगह शाक्य बिरादरी के नेताओं को टिकट दिया गया है। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 11 सीटें ऑफर की थी। बीते दिनों ही यूपी में इंडिया ब्लॉक के तहत सपा और रालोद का गठबंधन हुआ था, जिसके तहत रालोद को 7 सीटें देने का ऐलान सपा अध्यक्ष ने किया था। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस ने नाराजगी जताई थी। इसके बाद यूपी में गठबंधन को लेकर सस्पेंस बन गया था। इस बीच अब अखिलेश यादव ने 16 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश की सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। यहां से सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीट आती है। इसलिए राजनीति में कहावत भी है कि यूपी से ही दिल्ली का सफर तय होता है, यानी कि जिस पार्टी के पास यूपी में सबसे अधिक सीटें हो उसका रास्ता प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए खुद बन जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस उम्मीदवार को कहां से टिकट मिला है। संभल से शाफिकुर रहमान बर्क, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, मैनपुरी से डिंपल यादव, एटा से देवेश शाक्य, बदायूं से धर्मेंद्र यादव, खीरी से उत्कर्ष वर्मा, धौरहरा से आनंद भदौरिया, उन्नाव से अनु टंडन, लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा, फरुखाबाद से नवल किशोर शाक्य, अकबरपुर से राजा रामपाल, बांदा से शिव शंकर सिंह पटेल, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद, अम्बेडकर नगर से लालजी वर्मा, बस्ती से राम प्रसाद चौधरी, गोरखपुर से काजल निषाद। 2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने यूपी की 80 में से 73 सीटें जीती थी। बीजेपी 71 और अनुप्रिया पटेल की अपनी दल ने 2 सीटें पर कब्जा जमाया था। लेकिन 2019 के चुनाव में सपा बसपा आरएलडी गठबंधन के चलते बीजेपी का समीकरण गड़बड़ा गया था। ऐसे में बीजेपी गठबंधन 80 लोकसभा सीटों में से 64 सीटें ही जीत सका था। इस तरह से 2014 की जीती अपनी 9 सीटें 2019 में गवा दी थी। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी को बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रायबरेली, घोसी, लालगंज, जौनपुर, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, श्रावस्ती, मैनपुरी, सहारनपुर, आजमगढ़, रामपुर और नगीना, इन 16 सीटों पर हार मिली थी। इन 16 सीटों में से 10 बसपा, 5 सपा और 1 कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। लेकिन बीजेपी ने उपचुनाव में आजमगढ़ और रामपुर की सीट पर जीत हासिल कर ली थी। इस तरह से अब बीजेपी का फोकस 14 सीटों पर है, जिसके लिए मंथन किया जा रहा है।